संघीय व्यवस्था पर हमला नहीं सहेंगे, केरल के साथ भेदभाव की नीति नहीं चलेगी, केरल के साथ भेदभाव की नीति नहीं चलेगी। इंकलाब जिंदाबाद, केरल एकजुटता दिवस सफल करो। सरकार को जो भेजने का जो काम जो है, वहाँ के जो राज्यपाल महोदय को जो जिम्मेवारी बनता है, वो जो है वहाँ के जो फैसला को जो है केंद्र सरकार नहीं भेज रहा है। दूसरी बात है कि जो देश का जो फंड है, जो राज्य सरकार का जो हिस्सा मिलना चाहिए, वो हिस्सा केंद्र सरकार जो है केंद्र सरकार को नहीं दे रही। पूरे देश में जहाँ भी गैर भाजपा राज्य सरकार है, सभी जगह जो है ये केंद्र का जो फंड जो आता है राज्य सरकार चलाने के लिए, वो फंड जो है राज्य सरकार को दे रहा है, जिसके चलते आज हम लोग राजभवन में पूरे देश का सभी राजभवन में आज ये वाम दलों का जो है ये कार्यक्रम चल रहा है। केरल में क्या हो रहा है, मतलब क्या केंद्र सरकार मजबूर होते केरल की सरकार। देखिए केरल सरकार को जो है ये झारखंड सरकार को भी, झारखंड सरकार में भी देख लीजिए, कोयला का जो यहाँ से जो फंड है वो जो राज्य सरकार को मिलना चाहिए रॉयल्टी, वो रॉयल्टी जो है हमारे झारखंड में भी नहीं दे रहा है, उसके बाद केरल में भी नहीं दे रहा है, तमिलनाडु में नहीं दे रहा है। जहाँ जहाँ गैर भाजपा सरकार है राज्य में, वहाँ उसका रॉयल्टी जो हिस्सा जो मिलना चाहिए वो राज्य सरकार को नहीं दे रहा है। उसके विरोध में जो है आज हम लोग जो है केंद्र सरकार के विरोध में आज कार्यक्रम कर रहे हैं। सुरेश मुंडा राज कमेटी सदस्य झारखंड। भारत में इकलौता राज्य है जहाँ 100% साक्षरता है। हम वहाँ की विधानसभा से कोई पास होकर जब राज्यपाल के पास जाता है तो राज्यपाल महोदय उसको बार बार रिटेन करते हैं। सवाल ये होता है कि विधायक चुनी हुई सरकार जब कोई फैसला देती है तो राज्यपाल को रोकने का अधिकार नहीं है। और दूसरी चीज है मेरा कहना कि जब वो रोकते हैं तो कारण बता के देना चाहिए, समय पर लौटाना चाहिए, लेकिन नहीं, कोई कारण नहीं था। वो डिटेन करते हैं कि जब करता है योजना वहाँ नहीं लागू हो। दूसरी चीज मैं कह रहा था, केंद्र सरकार ने जीएसटी कलेक्शन करती है और विपक्ष की सरकारें जहाँ है वहाँ जीएसटी का भुगतान नहीं, समय पर देती नहीं है अलॉटमेंट, तो राज्य का विकास भी उससे बाधित होता है। आप देखेंगे केरला में कई ऐसी चीजें हैं, झारखंड केरला सरकार की अपनी इंटरनेट पॉलिसी है जो किसी बीएसएनएल जियो पर निर्भर नहीं करता, वहाँ के लोगों का अधिक से अधिक सुविधा आप लोग जन कल्याण की योजनाएं लाते हैं। तो हमें सवाल है कि राज्यपाल है चीजों को जब रोकने का काम करते हैं। इसी सवाल पर आज दिल्ली में भी केंद्रीय कैबिनेट बैठा हुआ है केरल का, और यहाँ पूरे राज्य में भी चला रहा है, तो आप देख सकते हैं कि लगातार विरोध प्रदर्शन चल रहा है कि ईडी और सीबीआई का जांच आप करवाते हैं, लेकिन जीएसटी जो हमारा अधिकार उस पैसा को लौटाने में आपको दे रहे हो। आप लोग बहुत धरना कर रहे हैं लेकिन धरना का कोई दिख नहीं रहा है। मेरी एक साफ बात है, आंदोलन करने के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं और हमेशा याद है, हमेशा गैंगी बुरी सरकारें जो होती है सुनने में कर्मठ आते हैं, लेकिन हमारा जब तक हम हैं आंदोलन को जारी रखेंगे। कितनी भी बैरी सरकार रहे, आज हमारी संख्या कम हो सकती है ज्यादा हो सकती है, लेकिन हम संसद से सड़क पर आवाज उठाते रहेंगे। इसका इम्पैक्ट पड़ता है, ऐसा नहीं कि नहीं पड़ता, तभी मजबूर होकर कई योजनाओं को बाधित करने का प्रयास करते हैं।